गुड मॉर्निंग क्लास 5, हाउ आर यू ऑल। चलो होप सो यू आर ऑल फाइन। चलो बच्चे अब आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड यस्टरडे इन यस्टरडेज क्लास व्हाट वी वर लर्निंग, वी वर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ह्यूमन फैक्टर्स के लिए जो कि सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। और नेचुरल फैक्टर्स जैसे वाटर और विंड, वो हम पढ़ चुके हैं। तो कल हमने सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस किया था ह्यूमन फैक्टर्स में, वो क्या है? अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। कल हमने ये डिस्कस किया था। अर्बनाइजेशन मतलब जो शहर बना देना, जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ फॉरेस्ट एरिया होते हैं या बहुत ऐसे जहाँ नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, उसको काट करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बना देना और बड़े बड़े मॉल्स बना देना, तो ऑफिसेज बिल्ड कर देना, तो वो सब क्या है? अर्बनाइजेशन। और डिफॉरेस्टेशन क्या है? अर्बनाइजेशन करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, यानी कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट को जो है काटना पड़ता है। तो इसीलिए उस जो प्रोसेस है, पूरे के फॉरेस्ट को जो काटने का जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, अपोजिट वर्ड क्या है डिफॉरेस्टेशन का, उसे याद करना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें, जो डिफॉरेस्टेशन के अपोजिट क्या होता है, वो आपने मुझे बताना है, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकेंड ह्यूमन फैक्टर जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक टिलिंग एंड प्लोइंग, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है बच्चे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती है? यानी कि जैसे खेतों में क्रॉप प्रोडक्शन करना, क्रॉप्स को ग्रो कराना, तो वो सब वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाती है। उसके लिए क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं बच्चे? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले क्या करेंगे, टिलिंग करते हैं, मतलब कि सॉइल को जो है पलटते हैं, मिट्टी को पलटते हैं। आपने देखा है ना ट्रैक्टर, उसके पीछे एक मशीन लगी होती है जो खेत में घूमती है, जिससे मिट्टी पलट जाती है। फिर होती है प्लोइंग, यानी जिसे आप कहते हो खेत की जुताई जो करते हैं, जिसमें बीज डालने के लिए खेत को प्लो किया जाता है। तो इस तरह की जब एक्टिविटी होती है, क्योंकि देखो वहाँ पे कोई क्रॉप तो है नहीं, हम मिट्टी को पलट रहे हैं, प्लो कर रहे हैं, तो उससे क्या है बच्चे, फिर जैसे बारिश आ जाए अगर, या मान ली बहुत तेज आंधी आती है, तो क्या होता है, जो सॉइल है उसका वो डिस्प्लेस हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह, अलोंग विद द विंड और अलोंग विद द हेवी रेन्स इट कैन मूव। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो नेक्स्ट बात आती है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का क्या मतलब होता है? ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, पहले बताओ ये ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, फिर बात आती है ओवर ग्रेजिंग की। ग्रेजिंग क्या होता है? जो हर्बीवोर एनिमल्स जो घास खाते हैं या डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर जो जो खाते हैं उनको, तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं ग्रेजिंग। यानी कि एनिमल्स जो हैं ग्रेज करते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स दे जनरली ग्रेज, वो क्या करते हैं ग्रेज करते हैं, घास खाते हैं। तो उस एक्टिव जो एनिमल कैटल्स हैं, या आपने देखा होगा जो गाय होती हैं, बफेलो होती है, जो सॉइल कोई प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है, उसको खाते हैं, तो वो कहलाएगी ग्रेजिंग। अब हम बात करें ओवर ग्रेजिंग की। अब वो गाय या भैंस है या कोई भी हर्बीवोर एनिमल है, वो एज अ फूड छोटे प्लांट्स को खा रहा है, दैट्स ओके, क्योंकि उसको तो फूड है, वो खाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है और एक ही जगह पे बार बार किसी कैटल को बार बार जो है वो वहीं पे खाना खाने लग, वहीं पे प्लांट्स को खाने लग जाए, तो फाइनली क्या करेगा, वो प्लांट्स को ग्रो ही नहीं होने देगा और पूरी तरह से जो वो एरिया है उसमें से जितने भी प्लांट्स हैं वो सबको खा लेगा। तो वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होगा, उस जगह वो जो जगह है इट विल बिकम यू नो फ्री ऑफ प्लांट्स, यानी कि उसके ऊपर प्लांट्स अब नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि सभी प्लांट्स को खा चुके हैं हर्बीवोर एनिमल। तो फिर क्या होगा, सॉइल एक्सपोज हो जाएगी। सॉइल एक्सपोज होगी तो क्या होगा, अगेन विद ड्यू टू द एनी नेचुरल फैक्टर्स सच एज यू कैन से विंड और रेन, अगेन द सॉइल जो है इट गेट्स इरोडेड, या तो वो इरोड हो जाएगा, यानी कि इरोजन हो जाएगी सॉइल की। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल ऑल्सो लीड्स टू इरोशन ऑफ द सॉइल। जो ओवर ग्रेजिंग है वो भी किसको, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉइल इरोजन के लिए
रिस्पॉन्सिबल है. सो दीज आर द ह्यूमन फैक्टर्स जो आज मैंने आपको बताए हैं. आपने अभी क्या करना है, अच्छा एक्टिविटी आपने की थी कल जो मैंने आपको बताया था, किसी भी प्लांट को जो है रिमूव करना था आपने. और आप जब वीड प्लांट जो होता है, जो किसी हेल्पफुल नहीं होता है, ऐसी कहीं भी ग्रो करता है, उसको जब सॉइल से आप रिमूव करते हो तो आपने क्या देखा उसके साथ में कि उसके जो रूट्स के साथ है काफ़ी सॉइल लगी रहती है. तो विच शोज दैट रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. इससे आपको क्या पता चलता है कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करते हैं और सॉइल इरोजन को वो रोकते हैं. ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही. बाकी जो टॉपिक है हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू.